सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और आर्मी में हवलदार की वैकेंसी आई है, सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर बैच 2019 की। आज हम उन्हीं वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 20, यानी 20 वैकेंसी हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी, एज लिमिट है 20 से लेकर 25 साल सिविल कैंडिडेट्स के लिए, यानी जो सामान्य आवेदक हैं उनके लिए। और ये 1 अक्टूबर 2018 को काउंट होगी, यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1993 से लेकर 30 सितंबर 1998 के बीच में हुआ होना चाहिए, दोनों डेट इसमें शामिल हैं। और जो सेना के जवान हैं उनके लिए मैक्सिमम एज है 28 साल, 1 अक्टूबर 2018 को काउंट होगी, यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1990 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप बीए या बीएससी होनी चाहिए मैथमेटिक्स से, साथ ही आपने 10+2 पास किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ एज ए मेन सब्जेक्ट। और ये जो योग्यता है ये इन सर्विस और डायरेक्ट एंट्री कैंडिडेट दोनों के लिए समान है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो आपकी मेडिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए सीने में और 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो होगी शेप 1। वही बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो वेस्टर्न हिमालय के कैंडिडेट्स के लिए, वेस्टर्न हिमालय रीजन है उसके कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर, वेट 48 किलोग्राम, चेस्ट 77। ईस्टर्न हिमालयन 160 सेंटीमीटर हाइट, 48 kg वेट, 77 चेस्ट। वेस्टर्न प्लेन्स 170, 50 kg वेट और 77 चेस्ट। वहीं ईस्टर्न प्लेन्स के लिए 169, 50 kg वेट और 77 चेस्ट। वहीं सेंट्रल प्लेन्स के लिए 168 और वेट होना चाहिए 50 किलोग्राम, चेस्ट होना चाहिए 77। साउदर्न प्लेन के लिए 164 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट और 77 आपका चेस्ट का नाप होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए सेटलर्स जो हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 50 kg वेट और 77 चेस्ट होनी चाहिए। वहीं लोकल्स के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट, 50 kg वेट और 77 चेस्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो 1600 मीटर की रेस होगी, आपको 5:45 में क्वालिफाई करनी है। आपको पुलअप्स करने होंगे, बीम मारनी होंगी, 6 पुलअप्स करने होंगे, जिगजैग बैलेंस करना होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 9 फीट की डिच जंप होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो कैंडिडेट हिली एरिया के हैं तो 5000 से लेकर 9000 फीट तक उनको एडिशनल 30 सेकंड मिलेंगे रेस में, और 9000 फीट से लेकर 12000 फीट वालों को 120 सेकंड मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं रिटर्न एग्जाम की। रिटर्न एग्जाम जो होगा 24 फरवरी 2019 को होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में, 50 आएंगे पेपर 2 में। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाई मार्क्स हैं 40/100 और आपको दोनों पेपरों में ये लाने होंगे। साथ ही किसी भी कैंडिडेट को कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी 19 वीक की ट्रेनिंग होगी, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी बीजी एंड सेंटर रुड़की में। और जब आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको हवलदार की पोस्ट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो सिविल कैंडिडेट्स अपने निवास के जो रिक्रूटिंग जोन है वहाँ आवेदन करेंगे, वहीं सर्विस कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने नज़दीकी सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की। तो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने हैं, वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। आप यहां से पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं, और इस भर्ती के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपके सरपंच यानी ग्राम प्रधान या फिर किसी ऑथराइज सिग्नेचर द्वारा हो, आपका निवास प्रमाण पत्र, सारे आपके ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट। बात करें हम इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 5 अक्टूबर 2018 और लास्ट डेट है 3 नवंबर 2018। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।